अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आइए आज बनाएंगे हलवाइयों जैसा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गाजरें ली हैं और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, बारीक वाले उससे ग्रेट किया। आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेटेड गाजर है, घिस लिया है इसको मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर खोआ लिया है, ये तकरीबन एक कप के करीब है। जितना आप ज़्यादा डालेंगे खोआ उतना ही टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप शक्कर ली है, आप चाहें तो एक दो चम्मच और ज़्यादा डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो। 6 से 7 हरी इलायची ली है, छोटी छोटी है इस वजह से 7 ली है। उसके बाद मैंने कुछ काजू लिए हैं यहाँ पर तकरीबन 10-12, आप बादाम चाहें भी तो डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने घी इस्तेमाल करना है तकरीबन आधा कप के करीब। अब जिस बर्तन में मैंने बनाना है उसके अंदर मैंने घी डालना है, जैसे कि मैंने बताया तकरीबन आधा कप के करीब हम घी डालेंगे। आंच मैंने मीडियम रखी है और जब घी गर्म हो जाए तब मैंने उसमें ये इलायची जो है इलायची के दाने ये डाल देना है और इसको तकरीबन 10-12 सेकेंड हम ऐसे ही इसके अंदर भून लेंगे ताकि थोड़ी सी खुशबू आ जाए घी में। 10-12 सेकेंड इसको घी में भूनने के बाद ये जो गाजरें हमने ग्रेट करके रखी हैं ये हमने इसके अंदर डालना है। आंच मीडियम ही रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी है और इसको हमने भूनना है। कब तक भूनना है? तकरीबन 10 से 12 मिनट आंच मीडियम आंच पर हमने इसको भूनना है, अच्छे से भूनना है, बहुत सब्र से भूनना है, ये जले भी नहीं और अच्छे से इसका पूरा पानी जो है निकल जाए और खुश भी हो जाए, तब तक हमने इसको अच्छे से भूनना है। आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर 2 मिनट के बाद जो है इसको पूरा अच्छे से चारों तरफ फैला देती हूँ ताकि सारे की सारी गाजरें जो है चारों तरफ फैली हुई हो और एक साथ जो है भुनी जाए अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम ज़्यादा इसमें जो है ज़ाया नहीं होगा और कम वक्त में पूरी की पूरी गाजरें अच्छे से भुनी जाएंगी। तो अब मैंने फिर से इसको मिक्स कर लिया और उसके बाद फिर मैं इसको चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी ताकि चारों तरफ से अच्छे से जो है गाजरें भुनी जाए, पूरी की पूरी सतह जो है वो इस्तेमाल हो। अब तकरीबन 10-15 सेकंड भूनने के बाद जो है फिर मैंने इसको ये देखिए, और अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि घी जो है इसमें से छूटने लगा है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए, 3-4 मिनट मैंने और ऐसे ही इसको भूनना है। जो गाजरें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये इंडिया या पाकिस्तान की गाजरें होती हैं। यूजुअली ओमान में जो गाजरें मिलती हैं, जो कैरेट्स मिलते हैं, वो ऐसे कलर के नहीं होते, लाल कलर के नहीं होते हैं, वो ऑरेंज कलर के होते हैं। तो गाजर का हलवा जो है एकदम अच्छा नहीं बनता है, उसका कलर खूबसूरत नहीं लगता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। तो मैं यूजुअली जो है इंडियन गाजर का वेट करती हूँ या पाकिस्तान के गाजर जो होते हैं उनका वेट करती हूँ। तो मैंने अब ये गाजरें यहाँ पर ली हैं, देख सकते हैं आपके कलर भी अच्छा सा इसका है, ऑरेंज कलर नहीं है ज़्यादा, लाल कलर की गाजरें थी ये। तो अब जो है इसका कलर थोड़ा चेंज होने लग गया है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, मैंने बस 1-2 मिनट और भूनना है और उसके बाद मैंने अगला प्रोसेस इसका स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। इसको भूनते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं बस मैंने, अब आप देख सकते हैं इसमें सब जगह तेल जो है या घी जो है छूटने लगा है। बस अब ये भून कर हो गया है, गाजरें हमारी पक गई होंगी, क्योंकि हमने इसको मिल्क में या दूध में नहीं पकाना है तो इस वजह से जो ये भूनने का जो प्रोसेस है गाजर उसी में पकनी चाहिए, इस वजह से हम इसको 10 से 12 मिनट भूनते हैं अच्छे से। अब जो है इसके अंदर मैंने ये जो काजू रखे हुए हैं ये डालना है और इसको भी मैंने 1-2 मिनट भून लेना है, बस हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। काजू वैसे भी नटी जो उसका टेस्ट होता है वो वैसे ही अच्छा लगता है, आप चाहें तो बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम आप छिलका निकाल कर डालें तो बेहतर है, लेकिन इसमें काजू ज़्यादा अच्छे दिखते हैं क्योंकि लाल कलर की गाजरों में जो है सफ़ेद कलर के काजू अच्छे लगते हैं तो और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो इस वजह से मैंने काजू इस्तेमाल किए हैं। बस ये इसको भून कर हो गया है। अब आइए हमने इसके अंदर शक्कर इस्तेमाल करना है। मैं शक्कर इस्तेमाल करने से पहले बता दूं कि देखिए नीचे पूरे आपको नीचे बबल्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब जो है ये गाजर जो है तैयार हो गई है। अब मैंने इसके अंदर शक्कर डालना है,
शक्कर आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से जितना मीठा पसंद हो उसके हिसाब से डालिए। अब ये फिर से थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी और उसके बाद फिर से इसने गाजरों ने पानी छोड़ देना है शक्कर की वजह से। इसको हम मीडियम आंच पर ही पकाएंगे, आंच तेज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देख सकते हैं गाजरों का कलर कितना बेहतरीन हो गया है। हमने एक बार भी इस पर ढक्कन भी नहीं रखा है और एक बार भी हमने इसको बहुत ज्यादा पकाने के लिए छोड़ा नहीं है, बस भूनते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। शक्कर की वजह से आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी पानी हो गया है, ये पूरा गीला हो गया है और कलर एकदम बेहतरीन हो गया है इसका, बहुत अच्छा सा कलर हो गया है। आंच मैंने बहुत धीमी कर दी है। अब जो है हमने इसके अंदर फाइनल इंग्रेडिएंट इसका डालना है, यानी कि ये खोआ जो मैंने रखा हुआ है ये हमने इसमें डालना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ताकि खोआ भी इसके अंदर अच्छे से गल जाए, स्मूथ हो जाए, पक जाए पूरा खोआ और अच्छे से भुना जाए। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है खोए को और दो चार मिनट उसके साथ भून भी लिया है। अब देख सकते हैं ये गाजर का हलवा हमारा तैयार हो गया है। बहुत बेहतरीन सा खूबसूरत सा कलर आया है इसका और बिल्कुल हलवाइयों वाला जो है गाजर का हलवा तैयार हुआ है, जो कि अक्सर आपको या तो स्वीट की शॉप में मिलेगा, मिठाइयों की दुकान में, या फिर शादियों में खाने को मिलता है। बिल्कुल वैसा ही गाजर का हलवा हमारा तैयार हुआ हुआ है। बस आधा किलो गाजरें हमने ली थी और एक कप खोआ लिया था। उतने में देखिए कितना बेहतरीन सा गाजर का हलवा, बिल्कुल बेहतरीन सा गाजर का हलवा तैयार है। ये बहुत ही बेहतरीन हलवाइयों जैसा गाजर का हलवा घर पर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको एक बार ज़रूर बनाइए, मेरे तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार गाजर का हलवा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।